सुन, आज के इस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट करना है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन जो है वो कब जो है वो कंटिन्यूस होता है और कब जो है वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो हमने फंक्शन की कंटिन्यूस जो है उसको डिस्कस करना है। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सुन, हमने ये देखना है क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो कब एग्जिस्ट करती है, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो उस क्राइटेरिया को हमने सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। एक फंक्शन अगर हमारे पास गिवन हो तो वो कहते हैं इसकी जो लिमिट है वो कब एग्जिस्ट करेगी। अब डायरेक्ट लिमिट बताने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जो है हम कंटिन्यूटी ऑफ जो फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इसको देखते हैं। अब फ्रेंड, हमने फंक्शन की डेफिनेशन ये लिमिट की सॉरी डेफिनेशन ये पढ़ी हुई है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन, कि जब एक्स जो है वो सी को अप्रोच करे तो जो फंक्शन की लिमिट है वो एल को अप्रोच करेगी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। ये हम क्राइटेरिया देख रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट का, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, अगर एक्स जो है वो किसी पॉइंट सी, सुन यहां पे क्या है, सी हमारे पास कोई भी एक नंबर हो सकता है, कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। कहता है सी, अगर एक्स जो है वो सी को अप्रोच करे तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो एल को अप्रोच करेगा इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ऐसी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। अब सुन इसका क्या मतलब है, ये जो हमने लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और सी के ऊपर हमने माइनस का साइन लगाया है, और इस साइड पे हमने लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और इसके ऊपर प्लस का साइन लगाया है। अगर स्टूडेंट आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर में लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, और हमने वहां पे ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास अगर ये टू एक नंबर है, ठीक है, एक टू नंबर है, अब इसके राइट साइड पे कौन से नंबर आते हैं, अगर हम बात करें तो इसके राइट साइड पे आते हैं 3, 4, 5, इस तरह इसकी लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर आते हैं 1, 0, -1, इस तरह माइनस वाले नंबर आते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें इस नंबर टू इस पॉइंट पे आना है, नंबर टू के ऊपर आना है, तो नंबर टू के ऊपर आने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक हम किस तरह से आ सकते हैं, हम एक इस तरह से आ सकते हैं टू की तरफ 5, यानी कि इस तरह नंबर होंगे ना 6, 7, 8, यानी कि हमने टू की तरफ आना है, तो एक हम राइट साइड से आ सकती हैं कि पहले 8 फिर 7 फिर 6, 5, 4, 3, एक वे ये बनता है। दूसरा वे ये है कि हम इस तरह से टू की तरफ आ सकते हैं, ठीक है, कि यहां पे क्या आ रहा है -1 है, -2 है, -2, -1, 0 और फिर 1 फिर 2, कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर हो तो उसको हमने अप्रोच करवाना हो तो हम उस नंबर को दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, एक राइट साइड से और एक स्टूडेंट लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ डिटेल के साथ कि जब भी किसी नंबर को हम अप्रोच करते हैं तो दो वे होते हैं हमारे पास उसको अप्रोच करने से, एक राइट साइड से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, एक लेफ्ट साइड को अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि उसकी लिमिट को हम लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करवा सकते हैं और राइट साइड से भी अप्रोच करवा सकते हैं। तो सुन, ये हमने पढ़ा था कि अगर लिमिट जो है एक्स अप्रोच कर रहा हो सी को और उसके ऊपर माइनस का साइन आए तो हम कहते हैं इसको ये है लेफ्ट हैंड लिमिट,
इसका मतलब ये है कि उस नंबर को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एक्स जो है वो अप्रोच करे सी को और उस नंबर के ऊपर प्लस का साइन आ रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस नंबर को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है स्टूडेंट। अगर लिमिट एक्स को अप्रोच कर रही है, यानी कि एक्स सी को अप्रोच कर रहा है और सी के ऊपर साइन आ रहा है माइनस का, ये हमें ये बताती है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और हम सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और अगर सी के ऊपर प्लस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि राइट हैंड लिमिट है और इस सी को हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। मीन कि इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या कह रहा है, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, अगर एक्स जो है वो सी को अप्रोच कर रहा हो तो फंक्शन की लिमिट एल होगी, यानी कि वो फंक्शन है वो एल को अप्रोच करेगा इफ एंड ओनली इफ, तभी जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल हो, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे क्लियर हो कुछ, ये मैं रेज कर देता हूं यहां से। मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं कि हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हमारे पास है राइट हैंड लिमिट। तो शॉर्ट में क्या हो गया स्टूडेंट, फिर इसका क्राइटेरिया कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो तभी एग्जिस्ट करती है अगर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल हो। अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, तो हम कहते हैं उस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्राइटेरिया है स्टूडेंट कि किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कैसे पता चलता है कि वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, तो हमने करना क्या होता है, उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करनी है, उस फंक्शन की हमने राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करनी है। अगर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे उस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है स्टूडेंट। लो स्टूडेंट, ये क्राइटेरिया हो गया हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन हो, वो कहता है बताओ ये जो फंक्शन गिवन है ये हमारे पास कंटिन्यूस है या नहीं है, मीन ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। देखो स्टूडेंट, यहां पे लिखा हुआ है कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस। अगर कोई भी फंक्शन एफ है, हम उसको कहेंगे कि वो कंटिन्यूस है एट पॉइंट सी, सी पॉइंट के ऊपर। यहां पर स्टूडेंट जो सी पॉइंट, यहां पे मैंने सी पॉइंट यूज किया है, यहां पे भी हम सी पॉइंट यूज कर रहे हैं, यहां पे अपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। सी पॉइंट जो है वो आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी जो है वो कांस्टेंट है, सी की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, रियल नंबर में से कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। सी जो है वो एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जस्ट हमने यहां पर इसको आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट के तौर पर यूज किया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कोई भी फंक्शन एफ वो हमारे पास कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट सी इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कहता हमारे पास कोई भी एक फंक्शन वो किसी एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा अगर वो जो फंक्शन है वो तीन कंडीशन को क्या करता होगा, फुलफिल करता होगा, मीन के सेटिस्फाइड करता होगा। अब पहली कंडीशन क्या है, कहता है एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। सेकेंड कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। थर्ड में वो कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो एफ ऑफ सी के। अब ये तीन कंडीशन मैंने पढ़ तो दी है, इनका मतलब क्या बनता है सुनो, वो समझ लेते हैं। फिर इसको सुनो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखो यहां पे कह रहा है कि अ फंक्शन एफ, तो सबसे पहले जो है हम यहां पे एक फंक्शन ले लेते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं एफ ओ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर
एक्स प्लस वन। ठीक है, सुनो यहां मैंने क्या किया, एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। भाई जो फंक्शन एफ है इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट यानी कि एट अ नंबर सी। सुनो मैंने आपको पहले भी बताया सी क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होता है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी आप कह सकते हैं, यानी रियल नंबर में से कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो सी यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखो फंक्शन ले लिए, अब यहाँ पे सी रहता है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं सी की वैल्यू टू। उसमें याद रखना ये जो सी होता है वो हमेशा एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां पे ये बात कर रहा था फंक्शन एफ की, हमने एक फंक्शन एफ ले लिया, फिर एक पॉइंट की बात कर रहा था सी, हमने सी को कह दिया सी जो है वो स्टूडेंट क्या है टू है। कहता अब ये जो फंक्शन है एफ फंक्शन ये कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट सी मीन के इस पॉइंट टू के ऊपर इफ एंड ओनली इफ कि ये जो फंक्शन है वो हमारे पास इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। अब पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। अब एफ ऑफ सी इज डिफाइंड का मतलब स्टूडेंट क्या बनता है, देखो कहता है जब हम इस सी की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करें तो पुट करने से हमारे पास कोई प्रॉपर आंसर आना चाहिए। देखें अगर हम इस सी की वैल्यू को यहां पे पुट करें एफ सी यहां पे क्या आ जाएगा टू इक्वल टू टू माइनस वन ओवर टू प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा टू माइनस वन वन टू प्लस वन थ्री। तो देखो स्टूडेंट हमने इस सी की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट किया और पुट करने से हमारे पास एक आंसर आ गया वन ओवर थ्री। तो हम कह देंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स है वो सी के ऊपर क्या है डिफाइन है। अब क्वेश्चन यहां पर स्टूडेंट ये करते हैं कि फिर ऐसा कौन सा फंक्शन होगा या ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो डिफाइन ना हो, तो स्टूडेंट वो भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे हम सी की वैल्यू चेंज कर दें, देखो सी हम ले लें यहां पे माइनस वन ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम सी की वैल्यू यहां पे क्या ले लें अगर माइनस वन ले लें, आप पुट करो यहां पे जरा माइनस वन को। देखो यहां पे जब हम माइनस वन को पुट करेंगे एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन ओवर माइनस वन प्लस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन जीरो, और समथिंग ओवर जीरो क्या होता है स्टूडेंट हमें पता है अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन आंसर आ गया अनडिफाइन, हमें पता ही है क्या आंसर आया है। तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है सी इक्वल टू माइनस वन के ऊपर डिफाइन नहीं है। ठीक है, डिफाइन कब होगा जब उसका कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, जब अगर आपका इस तरह का कोई आंसर आया इसका मतलब है वो फंक्शन है वो सी पॉइंट के ऊपर डिफाइन नहीं है। डिफाइन कब होता है जब हम उस सी की वैल्यू को फंक्शन में पुट करें और पुट करने से हमारे पास कोई ना कोई उसका आंसर निकल रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या है जी डिफाइन है सी पॉइंट के ऊपर। तो देखो स्टूडेंट इस फंक्शन ने पहली कंडीशन कर दी सेटिस्फाइड कि उसने कहा था वो जो फंक्शन होगा सी पॉइंट के ऊपर डिफाइन होना चाहिए, तो हमने चेक कर लिया कि ये जो फंक्शन है इस सी पॉइंट टू के ऊपर क्या है डिफाइन है। अब हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में वो कह रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, कहता है जब एक्स सी को क्या करे अप्रोच करे तो जो उस फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अभी स्टूडेंट हमने पढ़ा है क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट में कि किसी फंक्शन की जो लिमिट है वो कब एग्जिस्ट करती है, कब शाबाश ये तब एग्जिस्ट करती है जब उस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो राइट हैंड लिमिट के। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये हमने पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो तब एग्जिस्ट करेगी अगर उस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो आपस में इक्वल हो। ठीक है, कब एग्जिस्ट करेगी, किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है वो तभी एग्जिस्ट करती है जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट जो है स्टूडेंट वो क्या करती हो, यानी कि सेम हो। अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर स्टूडेंट इक्वल है तो फिर हम कहेंगे वो जो फंक्शन है उस फंक्शन की लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम चेक कर लेते हैं जरा लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्लाई करके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर हम अप्लाई करें तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, और इसके ऊपर ये माइनस का साइन, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि अब हम लिमिट को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो देखो यहां पे हम लिखे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी को हमने क्या कहा होगा स्टूडेंट, टू, यहां पे आ जाएगा टू। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। अब अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट करें तो देखो स्टूडेंट क्या बनता है, अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा, ये स्टूडेंट हमारे पास आता है माइनस टू है ना, यानी कि टू है, तो ये टू माइनस वन ओवर टू प्लस वन। अब सुनो इसका हरगिज मतलब यही ये नहीं है कि टू के ऊपर माइनस का साइन आ रहा है तो हमने यहां पे माइनस टू पुट करना है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। ये जो ऊपर साइन आता है हमें सिर्फ ये बताता है कि हम इस टू को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या राइट साइड से। तो ये हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करें, यानी कि हम इसको लेफ्ट साइड से अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने पुट टू ही करना है, ऊपर जो साइन आ रहा है वो माइनस का हो या प्लस का हो, अगर माइनस का साइन आ रहा है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमने यहां पे एक्स क्रिया पे माइनस टू पुट करना है। ये ऊपर जो माइनस का साइन है हमें जस्ट ये बताता है कि हम इसको लेफ्ट साइड से क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, पुट हमने टू ही करना है। तो यहां पर टू पुट करेंगे तो देखो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, वन ओवर थ्री। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसका आपके पास आंसर आ गया जी वन ओवर थ्री। अब हम इसकी जरा राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट जो है स्टूडेंट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और इसके ऊपर प्लस का साइन, एफ ओ एक्स। अगेन स्टूडेंट ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की वैल्यू क्या थी, टू, प्लस फंक्शन हमारे पास क्या है ये लिखा हुआ है एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। हमने यहां पे सी की वैल्यू लगा दी राइट हैंड लिमिट में, यहां पे फंक्शन एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन लिख दिया। अब लिमिट अप्लाई करो जरा, तो यहां पे आ जाएगा टू माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा, वन ओवर थ्री। तो देखो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, वन ओवर थ्री। राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, वन ओवर थ्री। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल टू आ गई राइट हैंड लिमिट के। तो हम कह देंगे इस फंक्शन की जो लिमिट है स्टूडेंट वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। यही तो हमने पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो तभी एग्जिस्ट करेगी अगर उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा होगा, इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, अब ये थर्ड कंडीशन भी हम चेक कर लेते हैं। अब ये दो कंडीशन तो होगी कि कोई भी फंक्शन वो सी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा अगर एफ ऑफ सी डिफाइन, सी पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन डिफाइन हो। तो हमने चेक कर लिया ये सी इक्वल टू टू के ऊपर क्या था, डिफाइन है। फिर सेकेंड कंडीशन, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब ये कि उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो हमने सेकेंड भी चेक कर ली, इसका इक्वल आ रहा है। अब थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि जो एफ ऑफ सी जो पहली कंडीशन का आंसर आया है और जो दूसरी कंडीशन का आंसर आया है, अगर इन दोनों का आंसर इक्वल हो तो फिर हम कहेंगे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। देखो स्टूडेंट थर्ड में वो क्या कह रहा है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो एफ ऑफ सी के। इसका मतलब क्या है कि जो एफ ऑफ सी का आंसर आया है वही आंसर ये सेकंड कंडीशन का हो, तो फिर हम कह देंगे ये थर्ड कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। अब देखो हमने कहा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है स्टूडेंट,
वन ओवर थ्री। अब एफ ऑफ सी का देखो आंसर क्या है, ये एफ ऑफ सी हमने निकाला, इसका आंसर भी क्या है, वन ओवर थ्री। तो देखो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। कंडीशन वन जो है इसका आंसर भी देखो हमारे पास क्या आ रहा है, वन ओवर थ्री आ रहा है। कंडीशन वन का आंसर भी क्या आ रहा है, वन ओवर थ्री। कंडीशन टू का आंसर भी देखो क्या आ रहा है, वन ओवर थ्री। इसका आंसर भी क्या आ रहा है, वन ओवर थ्री। कहता है अगर कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो ये थर्ड कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर कहते हैं ये तीनों कंडीशन किसी फंक्शन के ऊपर सेटिस्फाइड हो रही हो तो हम कहेंगे वो जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है स्टूडेंट, कि एफ कहता है कोई भी एक फंक्शन है ये सी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा अगर ये जो फंक्शन है वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो। और ये तीनों कंडीशन स्टूडेंट मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है, ये फंक्शन एग्जाम्पल के साथ, ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई है इसकी। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता होगा तो हम कहेंगे वो जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन अगर स्टूडेंट इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो रही हो तो फिर हम कह देंगे वो जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अगर कोई भी फंक्शन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अगर वो तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता तो वो हमारे पास डीसी कंटिन्यूस होता है।